आज मैं मौजूद हूँ क्रीम ब्लॉक मार्केट में। तो यहाँ हम देखेंगे कि आम इंसान कितनी रेंज में शॉपिंग कर सकता है और बाकी मार्केट की निस्बत यहाँ पर शॉपिंग करना इतना आसान क्यों है। यहाँ पर 100 से ज्यादा तिजारती इमारतें काम कर रही हैं, जो बच्चों, औरतों और मर्दों को खरीदारी की सहूलियत फराहम कर रही हैं। क्रीम ब्लॉक मलबूसात की खरीदारी के हवाले से इंतहाई सस्ती मार्केट है और किसी इवेंट के आने पर सेल लगाकर कपड़ों को और सस्ता कर दिया जाता है, जो कोई भी आम इंसान आसानी से खरीद सकता है। लोकल स्टॉल्स और दुकानों के अलावा इस मार्केट में ब्रांडेड शॉप्स हैं, जहां से आप बच्चों और मर्दों के मलबूसात 30-40% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। अगर बात की जाए शॉपिंग रेंज की, तो लाहौर की बाकी मार्केट्स के मुकाबले में ये मार्केट सबसे सस्ती तरीन है, जहां से आप इस महंगाई के ज़माने में भी कम से कम 1500 में एक पेयर बा आसानी खरीद सकते हैं। जानते हैं यहां के लोकल दुकानदारों से उनके पास रोज़ाना कितने कस्टमर्स खरीदारी कर लिए आते हैं। आप कितने में सेल कर रहे हैं ये चीज़? इस पैंट हमारी सेल होती है 800 में, 750 में, 900 में, अलग अलग कैटेगरी है। और शर्ट आप कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं? शर्ट भी यही प्राइस है, 650 से लेके तकरीबन 850 तक की प्राइस होती है। बाकी मार्केट में जैसे हाई प्राइस है, आप कितने मुनासिब कीमत पे क्यों सेल कर रहे हैं? ऐसी कैटेगरी है ना इसमें, अब एक क्वालिटी है, मैंने अच्छी क्वालिटी, इससे और अच्छी क्वालिटी रख लूँगा तो वो तकरीबन 800-900 के अंदर आ जाएगी। ये थोड़ी लो क्वालिटी है, गरीब आवाम जो होती है, जो लेने जिसका माइंड होता है 500-600 का लेने का, वो आके ले जाते हैं। नाज़रीन, कपड़ों के अलावा आप यहाँ से ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी मार्केट से निस्बतन कम कीमत में खरीद सकते हैं। ख़रीदारी के लिए आने वाले लोगों की रिफ़्रेशमेंट के लिए खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल्स भी मौजूद हैं। कम से कम कितनी रेंज में शॉपिंग की जा सकती है यहाँ पे? रेंज में अभी आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप पैंट का डेनम का पेयर लेंगे ना, आप अच्छी पैंट होगी ब्रांडेड, इसमें कैजुअल शर्ट ऐड करेंगे, तकरीबन आपका पेयर बनेगा 2500 का। बाकी मार्केट में जो है कितना डिफरेंस है प्राइस का क्रीम ब्लॉक से? प्राइस का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी आप कैसी ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी वाइज। नाज़रीन, ये तो थी लोकल स्टॉल और दुकान की रेंज, जहां से आप 1500 से 2500 के दरमियान खरीदारी कर सकते हैं। क्रीम ब्लॉक में आप होलसेल प्राइस में भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये होलसेल मार्केट है, जहां पर बाकी दुकानों की निस्बत कम प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन यहां प्राइसेस फिक्स होती हैं और बहुत से दुकानदार अपनी दुकानों के लिए भी यहां से कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। बच्चों के कपड़ों की कौन कौन सी वैरायटी है आपकी दुकान पर? मतलब निकर वगैरह, शर्ट्स वगैरह, स्लीवलेस शर्ट्स वगैरह। किस रेंज में आप सेल कर रहे हैं ये? 250 सेल लगाई है 250। तो किस दिन कस्टमर्स का रश ज्यादा होता है? संडे को। स्टॉल का कितना पे करते हैं यहाँ पे? 60 का मंथली। तो प्रॉफिट आपको कितना हो जाता है फिर से? आजकल तो बस यही है कि जेब से ही जा रहा है, तो अब काम शुरू होगा इंशाल्लाह 2 माह के बाद। किस महीने में जो है कस्टमर रश कम हो जाता है? 3 महीनों में ये कम ही। गर्मी के सीजन में कम है, ईद का महीना लगता है, बाकी काम स्लो। क्रीम ब्लॉक में क्यों जो है बाकी मार्केट की नस्बत इतनी फेमस क्यों है शॉपिंग के हवाले से? क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स वगैरह हैं, यहाँ पे क्रीम मार्केट में सब ब्रांड है, तो ब्रांड का भी कस्टमर होता है इधर, तो इसलिए ज़्यादा रश होता है। फिर स्टॉल का भी कस्टमर है। यहाँ पर इतनी सस्ती है तो पीछे से कितने में आती है? कम से कम मैंने 250 की सेल लगाई है, तो मुझे ये पर पीस 200 का मुझे मिला, तो अब 400 रुपये रख के मैं सेल कर रहा हूँ।
ये तो था क्रीम ब्लॉक का एक छोटा सा विजिट, जहां पर आप 10 साल से कम उम्र बच्चों के कपड़े 200 से 250 की रेंज में और अडल्ट के कपड़े कम से कम 1500 की रेंज में ख़रीद सकते हैं। और इसी वजह से ये मार्केट लाहौर की बाकी मार्केट्स के मुकाबले में नहायत सस्ती है, जहां से आप हर कैटेगरी और क्वालिटी की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। दुकानदारों के अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर रोज़ 3 से 4 हज़ार तक कस्टमर ख़रीदारी के लिए आते हैं।